त्रस्त नशा मुक्ति केंद्र में संचालक द्वारा मरीज की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। इसी को देखते हुए परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जाँच के आदेश दिए हैं। हाथरस गेट क्षेत्र में अलीगढ़ रोड तहसील के सामने स्थित अवैध रूप से बना रजिस्ट्रेशन के चल रहे नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो गई, जिससे नशा मुक्ति केंद्र के अंदर भर्ती अन्य मरीजों ने बताया कि मृतक ब्रजेश किशोर को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। उसकी हत्या के बाद अंदर भर्ती सभी मरीज भी नशा मुक्ति केंद्र में दीवार तोड़कर निकल भागे। वहीं नशा मुक्ति केंद्र संचालक भी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस हाथरस गेट पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मौत का सही कारण पता नहीं चल पाया तो डॉक्टरों द्वारा विस्तृत सुरक्षित कर दिया गया था। उसी दिन से मृतक की बहन, बहनोई व अन्य परिजन थाने के अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं मृतक की हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन उन्हें सभी जगहों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। वहाँ राजस्थान से आए हैं, जयपुर राजस्थान। यहाँ किस मैटर में आए हैं? हम न्याय मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा साला और उसकी पत्नी ने यहाँ ला करके नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दिया और उसकी पत्नी की साजिश के द्वारा उसे उसका मर्डर करा दिया। मृतक से संबंध आपका? मर्डर है जो मृतक संबंध हमारा साला था। साला था तो फिर और इसका इसका भाई था। फिर अब क्या चाहते हैं सर? न्याय चाहते हैं, हम न्याय की गुहार कर रहे हैं। साहब के यहाँ अधीक्षक महोदय के यहाँ आए, हम अपना न्याय चाहते हैं। तो आप थाने या कोतवाली गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ? हाँ, थाने गली में कुछ नहीं हुआ, कोई सुनता ही नहीं है हमारी, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। न्याय के लिए आए हैं, न्याय के लिए भाग रहे हैं हम इधर उधर।